एवरीवन, डायरेक्टली फ्रॉम गोवा। सो आज है गोवा में हमारा डे टू। कल शाम में हम बहुत लेट आए थे तो ज़्यादा कुछ कवर कर नहीं पाए, तो अब मॉर्निंग हो गया है और रात में हमें बहुत लेट हो गया था। बीच से आते आते रात के 2 बज गए थे, हमें आते आते सोते सोते बहुत लेट हो गया, तो आज हम सनराइज़ कवर नहीं कर पाए। तो कल हम जाएंगे, यहाँ का जो सनराइज़ है मॉर्निंग वाला वो कवर करेंगे। तो अभी हम निकल गए हैं यहाँ के साइट सीन के लिए, लेकिन पहले कुछ खाना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हो, मनोज ने खाना शुरू कर दिया है, तो बस अब हम नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो डायरेक्टली हम मिलते हैं। सो आप देख सकते हो गोवा वाइब्स जो है ऑन हो चुके हैं, गोवा वाले मूड में है, फुल मस्ती के मूड में हम हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा नाश्ता आ गया है, पूरी सब्जी एंड आलू पराठा। तो बस अभी हम खा के और साइड विजिट के लिए निकलने वाले हैं। So friends, what do you remember when the word Goa crosses your mind? Party on beaches, calm and tranquility walks on the unexplored beaches, New Year parties, sunburn or private beach resorts. Goa has so much to offer for every travelers. That's why it's a dream destination for many travelers, as it never disappoints anyone. That's why it is rated as India's most popular tourist destination. So Goa is all about sun, sand and sea. So let's explore Goa with our eyes. दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, तो अभी मैं आ गई हूँ अगोडा फोर्ट। और अगोडा फोर्ट जो है ये सिंक्वेरियम बीच के पास है। और लास्ट जब हम गोवा आए थे तो हम अगोडा फोर्ट नहीं आ पाए थे। दोस्तों अगोडा फोर्ट से हमने हमारी टिकट ले ली है, टिकट प्राइस हम ले रहे हैं और मनोज की 25 की पड़ी, और फॉरेनर्स की जो टिकट है वो 300 रुपीस पड़ती है। तो ये फाइनली हमने यहाँ से टिकट ले लिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखो फाइनली हम आ गए हैं अगोडा फोर्ट, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी महीने में आओ, दिसंबर में आओ, जनवरी में आओ, या फिर अभी सितंबर अक्टूबर में आओ, गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी तो सच में बहुत गर्मी है, लेकिन जब घूमने आए हो तो ठीक है, मजे लो, गर्मी के भी मजे लो। दोस्तों ये देखो ठीक मेरे पीछे सिंक्वेरियम बीच है, और व्यू देखो क्या शानदार व्यू है, ये देखो वाह। दोस्तों थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो कुछ ऐसा सिंक्वेरियम बीच दिखता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और अगोडा फोर्ट से इसका बहुत ही शानदार व्यू दिखता है। तो ये देखो ये कुछ ऐसा अगोडा फोर्ट दिखता है। इसके बाद हम लोअर अगोडा फोर्ट जाएंगे। दोस्तों अगोडा फोर्ट से उतर गई हूँ और यहाँ मैं रुक गई हूँ नींबू पानी के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। जैसा कि मैंने बताया तो थोड़ा डिहाइड्रेशन ऐसा फील हो रहा था, तो ये मैंने नींबू पानी ले लिया है और थोड़ी देर यहाँ रुकूंगी। दोस्तों अगोडा फोर्ट घूमने के बाद अब हम निकल गए हैं लोअर अगोडा की तरफ। तो वहाँ से सिंक्वेरियम बीच जो है वो बहुत सुंदर दिखता है और वहाँ का सनसेट भी बहुत अच्छा दिखता है। तो चलो हम डायरेक्ट चलते हैं लोअर अगोडा। अगोडा फोर्ट से अभी जस्ट नीचे उतरे हैं और यहाँ पे देखिए एक सिंक्वेरियम बीच है, जो काफ़ी मतलब बहुत ही प्यारा बीच है। इसकी वाटर इतनी क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल टर्कोइस कलर का वाटर है यहाँ पे। हाँ, ये काफ़ी पॉपुलर बीच है गोवा में। और देखिए यहाँ पे वाटर फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ पे क्या है कि वाटर स्पोर्ट्स पूरी तरह बंद है। और ये देखिए पूरा बीच। Thank you.
असली मजा जो है वो स्कूटी में ही है। दोस्तों ये वो रीज़न है जिसके लिए मैं बोली थी कि गोवा में स्कूटी में ही घूमने में मज़ा है। ये देखो आप मेरे सामने इतना सुंदर, मतलब ये देखो मैं जिधर कैमरा घुमाऊँ उधर नेचुरल ब्यूटी आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार। और ये वाली जो फीलिंग है ना सिर्फ और सिर्फ ना स्कूटी में ही मिल पाती है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं मतलब ऐसा कह रही हूँ कि गोवा आओ तो एक दिन आप ना स्कूटी में ज़रूर घूमना। दोस्तों सच बात तो ये है कि कभी भी हम लोग इतने लंबे समय तक स्कूटी से नहीं घूमे और आज दिन भर हम लोग स्कूटी से घूमे हैं, करीब 30-40 किलोमीटर जो भी है जहाँ भी जाना पूरा स्कूटी से घूमे हैं। ये बहुत ही मतलब मेमोरेबल टूर रहा हम लोग का, कभी अभी हम लोग स्कूटी से इतना लंबा टूर नहीं किया है और गोवा सही में मज़ा आ गया स्कूटी से घूमने। दोस्तों घूमते घूमते अब हम आ गए हैं अंजुना बीच और अंजुना बीच का सनसेट जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो कुछ ही देर के बाद सनसेट होने वाला है तो अभी हम यहीं पर रुक गए हैं अंजुना बीच के पास ही, यहाँ का हम सनसेट देख करके उसके बाद फिर हम डायरेक्ट होटल के लिए निकलेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ का थोड़ा सा रात में हम कलंगुटे बीच जाएंगे। तो ये देखो ये है यहाँ का, देखो कितना प्यारा व्यू है, ये है आपको अंजुना बीच। ये देखो ये बीच है आप मेरे देख सकते हो। After taking a small power nap, we are heading towards Tito's Lane and just to enjoy the nightclubs of Baga Beach. So here you can see we are in a nightclub. It's such a cute little relaxing place. This club has an amazing vibes, thriving music, international DJ and phenomenal ambience. When DJ turns out the music high, you automatically starts to dance. The teenage and the young crowd, it's impossible to match the energy with them, but right now we are enjoying the party. अभी तो यहाँ गोवा की नाइट लाइफ शुरू होती है लेकिन हमें होटल जाना पड़ेगा क्योंकि कल हमें साउथ गोवा शिफ्ट होना है। या बट वी हैव एंजॉयड अ लॉट एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट फ्रॉम मी एंड मनोज। गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।